नमस्कार, लोकवाणी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूँ शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। झारखंड जनजाति परामर्श तंत्र परिषद उप समिति की मंत्री नीलकंठ मुंडा ने उपायुक्त कार्यालय में की बैठक। थाना क्षेत्र के बड़ौबा की डैम में सेल्फी लेने के क्रम में डूबे युवक अभिनव के शव को पुलिस ने किया बरामद। मिशन 2019 को लेकर झारखंड प्रदेश कमेटी अल्पसंख्यक विभाग को लाने स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। और आम आदमी पार्टी ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में जनजाति परामर्शदात्री परिषद उप समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोल्हान के तमाम विधायक समेत जिले के उपायुक्त एवं सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से देश आजादी के बाद ट्राइबल जनसंख्या में कमी आई है, जिस कारण झारखंड सरकार ने इस पर रोक लगाने हेतु एक समिति का गठन किया है, जो इसके कारणों का पता लगाएगी और ट्राइबल जाति के उत्थान पर कार्य करेगी। इसके चेयरमैन खुद राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा है। इनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक कुणाल सारंगी, विधायक लक्ष्मण टुडू, विधायिका मेनका सरदार एवं जिले के उपायुक्त मौजूद रहे। बैठक के दौरान आजादी के बाद से लेकर ट्राइबल जनसंख्या के ब्यौरा लिया गया है। बातचीत के क्रम में मंत्री ने कहा कि जनसंख्या में कमी एक गंभीर विषय है और इस कारण से समिति प्रत्येक जिला स्तर पर पहुंच के इसके वास्तविक कारणों का पता लगा रही है, ताकि उसे दूर किया जा सके। और उसमें ये चिंता है कि झारखंड प्रदेश में जब से देश आजादी हुई और देश आजादी से पहले भी कहें कि धीरे धीरे करके ट्राइबलों की जनसंख्या घट रही है। तो जब TSC की बैठक में विषय उठा तो माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होने के नाते उनको लगा कि क्यों ना हम इसका एक तरह से अध्ययन करा लें, स्टडी करा लें। और एक उप समिति बनाई गई, उस उप समिति में हम चेयरमैन है। हम लोग राज्य स्तर पर मुख्यालय में बैठ करके चर्चा करने लगे तो बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि भाई इसको जब तक हम जिला में जा करके हम यदि अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इन सब विषयों पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम लोग ये तीसरा दौरा, इससे पहले हम लोगों ने संथाल परगना में शुरू किया था। तो आज जो जो विषय उठा है, जो जो बिंदु यहाँ पर लोगों ने रखा है, उन सारे बिंदुओं को हम समाहित करके जब उप समिति को सौंपेंगे उस समय सारे बिंदुओं के बारे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाकी डैम में फोटो खिंचवाने के क्रम में 12वीं का छात्र अभिनव कुमार की डूब जाने से मौत हो गई। अभिनव अपने 3 दोस्तों के साथ कल घर से निकला था और परिजनों से डिमना जाने की बात कही थी। शुक्रवार देर शाम तक अभिनव अपने घर नहीं लौटा था। परिजनों ने खोजबीन जारी कर दिया, जिसके बाद पता चला कि अभिनव की बाइक बड़ा बाकी डैम किनारे केनाल के बगल में रखी है, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से कल से अभिनव की खोजबीन की जा रही है। आज सुबह अभिनव का शव कीता नाला डैम के केनाल से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अपने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्तों के साथ अभिनव फोटो सेशन के लिए घर से निकला था। अभिनव के डूबने के बाद 3 दोस्त वहां से चलते बने। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। हालांकि परिजन उसके 3 दोस्तों को बस शक कर रही है। वो मैं 7 बजे करीब निकला था। अच्छा। और ये बोल के गया था कि हम जा रहे हैं डिमना, अब अपने दोस्तों के संग में वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाएंगे, फिर 11:30 बजते हम वापस आ जाएंगे। अच्छा। और वापस नहीं हुआ और कीता नाला डैम जो है वहाँ का जो मुखिया है गाँव का, वो हम वहाँ से फोन किया जी, इस गाड़ी का नंबर ये है और गाड़ी का ओनर का नाम ये है, ये कौन है। तब हम उसे बताए कि हाँ ये मेरा लड़का है, तो वह जल्दी आइए, वो लड़का लगता है पानी में डूब गया है। बाकी लड़का लोग जो इसका दोस्त लोग, वो लोग भाग गया। अभिनव झा 3 साथियों के साथ कीता नाला डैम घूमने गया था, जहाँ पर लोग ये फोटो खिंचवाने के क्रम में कीता नाला डैम के किनारे से कैनाल निकला हुआ, उस कैनाल के पास फोटो खिंचवाने के क्रम में
कि डूब जाने के कारण तभी न जाके मृत्यु हो गई। वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि एक मोटरसाइकिल वहाँ है और गांव वाला बताया कि बच्चा डूब गया है। फिर हम लोग पहुँचे, फिर मोटरसाइकिल से उसके सर्च किए तो उसके घर का नंबर मिला। फिर घर के लोग को सूचित किए। इसी बीच कीर्तानाला डैम से पानी छोड़ा जा रहा था काफ़ी मात्रा में, तो हम लोगों ने जो स्वनेखा प्रयोग के कार्यपालक अभियंता उनको फ़ोन कर पानी बंद कराया। फिर SDO साहब से अनुरोध किया कि गोताखोर को भेजने के लिए, फिर SDO साहब के द्वारा गोताखोर भेजा गया। कल शाम तक हम लोग काफ़ी प्रयास किए, डेड बॉडी नहीं मिली। जमशेदपुर मिशन 2019 को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर लेने के लिए कुल्हान स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के प्रभारी डॉक्टर वसीम अजगर आजम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबोधित कई जानकारियां भी दी। जहाँ कुल्हान की तीनों जिलों से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 के संबंध में कई जानकारियां दी गई। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साकिर खान के द्वारा फूल और सॉल पहना कर किया गया। वहीं संबंध में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के प्रभारी डॉक्टर वसीम अजगर आजम ने कहा कि वर्तमान केंद्र राज्य सरकार की विफलता एवं छोटे वादों को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी नेता कार्यकर्ता मतदाताओं तक जाकर अपने मत का हिसाब वर्तमान केंद्र राज्य सरकार से लेने की मांग करेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके उम्मीदवार पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगी। वही एक सवाल के जवाब में झारखंड प्रभारी ने कहा कि मुस्लिम मतदाता शुरू से ही कांग्रेस के वोटर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के द्वारा अपना नया राजनीतिक झंडा तैयार किया गया है, मगर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस की पहचान पंजा छाप पर अपनी राजनीति करेगा। अल्पसंख्यकों की भूमिका हर चुनाव में बहुत अहम रही है। ये चुनाव जो 2019 का होने जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के किए हुए वादों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वादे बहुत सारे किए थे और किसी भी एक वादे पे पूरे नहीं हुए। अब नया तरीका और नए जुमले ला रहे हैं आयुष्मान भारत के नाम। माइनॉरिटी बल्कि पूरे देश का हर तबका परिश्रम कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो न सिर्फ ये कि झूठे वादे करता है बल्कि जवाबदेही से भागता है। राहुल गांधी जी जब उनसे राफेल के दाम के बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं। संख्या बुनियादी तौर पे देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ जुड़ा रहा है। बीच बीच में कुछ कमियां जरूर कांग्रेस की तरफ से हुई, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी स्वीकारा है और लोगों ने भी स्वीकारा है। उन्हीं गलतियों को हमने दूर किया है और जाहिर सी बात है उन गलतियों को जब हम दूर कर चुके हैं तो लोग हमारे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं आपको इस तरह के लोग शायद ही कहीं पे मिलेंगे जो अपनी मर्जी से आके सुन रहे हैं हम लोगों की बात। जमशेदपुर जिला आम आदमी पार्टी द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया है। साथ ही जिले की उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र भी भेजा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के द्वारा बिजली प्रति यूनिट 1 रुपए की दर पर की गई है, जो झारखंड में भी लागू करना चाहिए। साथ ही वृद्ध पेंशन को भी दिल्ली के तर्ज पर बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाना चाहिए। पारा शिक्षकों को भी दिल्ली के तर्ज पर स्थायीकरण करना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों के व्यवस्था को भी सुधारा जाए ताकि वे निजी स्कूलों से बेहतर बन सके। और जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सिर्फ बिल्डिंग है, जबकि वहाँ की डॉक्टर नहीं है और ना ही दवाई की व्यवस्था है। इन सभी मांगों को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपकर इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। देखिए, आज जो पूरा देश में दिल्ली सरकार जो काम किया है, अरविंद केजरीवाल जो काम किया है, तो हम लोग भी भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी लागू किया जाए। जैसे कि बिजली का प्रति यूनिट 1 रुपया दिल्ली सरकार देती है लेकिन झारखंड सरकार ने 7 रुपया लेती है। तो इन्हीं 8 मांगों के लेके आज हम लोग जिला कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि पेंशन, यहाँ पे रघुवर दास 600 रुपया देता है लेकिन हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे 2500 रुपया देता है। पारा शिक्षक को आज भाजपा का सरकार बोलिए, JMM का सरकार बोलिए, कोई सरकार नहीं, भाजपा आज पारा शिक्षक को स्थायीकरण नहीं किया, लेकिन पूरे देश में आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पारा शिक्षक को वहाँ पे भी स्थायीकरण किया है। मजदूरों का जो 513 रुपया प्रतिदिन वहाँ पे मजदूरों का मजदूरी दर दिया जाता है, जो कि सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था दिल्ली में ठीक किया है, जो कि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। हम लोग भी मांग करते हैं और पूर्वी सिंहभूम जिला में जितना भी उपस्वास्थ्य केंद्र है खाली बिल्डिंग बना है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वहाँ डॉक्टर भी बैठे और दवा भी फ्री में दे। खबर वक्त से ब्रेक का बने हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक।
जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कुल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल का फिर से विवादों के घेरे में नजर आ रहा है। अस्पताल में बेड की कमी साफ साफ नजर आ रही है, तो वहीं अब सवाल यह उठता है कि आखिर अस्पताल प्रबंधक एमरजेंसी वार्ड के बेड को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करती है। वैसे इस अस्पताल का विवादों से पुराना रिश्ता है जो चाहकर भी नहीं छुटता। अस्पताल में अजीब नजारा दिखाई दिया, जहां इमरजेंसी के रास्ते पर मरीजों को जमीन और कुर्सी पर बैठा के इलाज किया गया है। ये नजारा अपने आप ही अस्पताल प्रबंधक की व्यवस्था के पोल खोलते नजर आ रही है। अनुमन इस अस्पताल में गांव देहात इलाके से गरीब तबके के लोग सरकारी इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन मरीजों को इलाज के लिए इस अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। यहां तक कि अस्पताल में कचरे के डिब्बे के बगल में मरीज का इलाज किया जा रहा है। यह इलाजरत एक महिला ने कहा कि उनकी कमर टूटी हुई है, फिर भी उन्हें कुर्सी पर बैठा के इलाज किया जा रहा है। मरीज को उल्टी हो रहा है, हाथ पटान रहा है, सब हो रहा है, एकदम बुखार है, सब है। अभी तक उसको लाके यहाँ रख दिया, उसके एक बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो जमीन सुला दिया ना। अभी तक तो इंजेक्शन पड़ा ना कुछ पड़ा, ऐसे कैसे है वो। अब कब इंजेक्शन पड़ेगा, तब तक मरीज मर जाएगा, तब इंजेक्शन देने आएगा डॉक्टर। तो बेड नहीं है, कुछ नहीं है, मरीज कहाँ रहेगा, जमीन में सोगा मरीज। हाँ, मरीज को इच्छा से तो अपना घर ही में मरा देते तो अच्छा रहता ना, तो यहाँ पर हम काट नहीं लाएंगे। आप इलाज हो रहा है कि नहीं, इलाज कहाँ हो रहा अभी तक, अभी तो खुद वैसे का वैसे ही है। पेट में दर्द है, आत्मा गैस का प्रॉब्लम हो गया है, और कल से इमरजेंसी में करा है, आज तक रूम नहीं मिला। वो चार चक्का वाला जो गाड़ी है उसी में पड़ा ही हुआ है इमरजेंसी कैसे, और इतना छोटा जगह है जिसमें संभाला नहीं जाता है, इतना पब्लिक है, जितना आदमी मरता है उतना आदमी पैदा हो जाता है, इतना छोटा जगह में कहाँ रहते हैं, तो फिर नया बिल्डिंग का ऑप्शन कराइए। जमशेदपुर के जेमको स्थित मंडल बस्ती में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बस्ती के ऊपरी इलाके में पिछले एक वर्ष पूर्व से बने लगभग 5 से 6 झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। चैन कर रहे लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश दिखाया गया। बताया जा रहा कि ये पूरा मामला झोपड़ी नुमा घरों से भरा हुआ है और बस्ती कई वर्षों से यहाँ बसी हुई है। इसी बस्ती के ऊपरी इलाके में पिछले एक वर्षों से लगभग 5 से 6 झोपड़ियां बनी थी, जिसमें 6 परिवार निवास करते हैं। यहाँ के महिलाओं के अनुसार बीती रात 25 की संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पहुंचे और महिलाओं को घर से बाहर बुलाया और उसके बाद जबरन झोपड़ी को तोड़ डाला। जब इसका विरोध महिलाओं ने किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद वहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ को देखते हुए असामाजिक तत्व वहाँ से फरार हो गए। पाँच पाँच हजार रुपया कलेक्शन का कई गुंडा पार्टी हमरा से ही मनोज वाले ले लेकर मनोज हाँ जाकी दे दीजिए ना ही अब क्या देगा रुपया झोपड़ी पैसा दीजिए आप लोग पर कोई लिखित दिया है हम बोले क्या लिखित दिया है सब।
20-25 आती गुंडा पार्टी आया है, बाहर जब निकले हैं तो उसी में से एक गुंडा पार्टी था जो हमको धकेल दिया है, धकेल दिया, हम गिर गए हैं। तब तक ले सब झोपड़ी में 20-25 आदमी था, 5-5 को झोपड़ी में सब में हाथ लगाना, किसी को खबर देने का जरूरत नहीं, माने देने नहीं दिया। तब तक ले धाय धाय तोड़ दिया। हम पूछे आखिर क्यों तोड़ रहे हैं आप ये झोपड़ी, तो हमको बोल रहा जा कि ऊपर लिखित है। हम बोले ऊपर लिखित है तो कागज दिखा दीजिए ऊपर लिखित है तो, जबकि हमको क्या लिखित है। तब बोलता है क्या जबकि बहस करिएगा, बहस की जगह तो लाठी चार्ज करेंगे। बोले लड़का को जब भाग जाओ, बोलता है लाठी चार्ज करेंगे, है ना। तब तक ले लोग आया है तो वो लोग वहाँ गाड़ी लगा है, तो ये लोग का साथ हतावाही किया है, सब धराधर 3 गो गाड़ी लगा लेता सब भाग। जमशेदपुर पिछले 2 अक्टूबर को एपेक्स अस्पताल में चिकित्सक के साथ हुए मारपीट के मामले में आईएमए जमशेदपुर इकाई के द्वारा जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की गई, साथ ही इसके निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। गौरतलब है कि पिछले 2 अक्टूबर को मांगोर क्षेत्र की एक वृद्ध महिला को उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका वहां देहांत हो गया। इसके बाद उनके परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाथापाई भी की थी। इस मामले में आईएमए का कहना है कि वृद्ध महिला गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और इसकी सूचना उनके परिजन को पूर्व में ही दे दिया गया था और महिला का इलाज शुरू किया गया, उसी वक्त उनका देहांत हो गया। यह एक साधारण घटना थी, चूंकि वृद्ध महिला पूर्व से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। उन्होंने इस मामले में जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की, साथ ही इस मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। 2 अक्टूबर को रात में करीब 8:30 के आसपास जो एक 65-67 साल की एज की थी और पूर्व से वो कैंसर से पीड़ित थी। उसके पहले वो 2-3 केमोथेरेपी उसको ऑलरेडी पड़ चुका था, कार्डियक पेशेंट थी, कार्डियक का इलाज भी चल रहा था डॉक्टर एन के दास से। वो डॉक्टर कुंडू के पास जो नर्सिंग होम में अपना इलाज के लिए गई कीमोथेरेपी के लिए। उसका कंडीशन ख़राब था, उसको बताया गया पूरी अच्छी तरह से, कार्डियल इन्फेक्शन के द्वारा जो है उसका शायद एक्सपायर कर दिया पेशेंट। उसके बाद मरीज के परिजनों के द्वारा जो है सो डॉक्टर कुंडू के साथ में काफ़ी मारपीट किया गया, हॉस्पिटल में पूरा हंगामा किया गया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए थे कि सभी जाँच हो, अगर डॉक्टर गलत है तो ठीक है, गलत दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो जो चिकित्सक के ऊपर हाथ चलाए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसके ऊपर रिटायर हो। जमशेदपुर के बिस्टीपुर थाना अंतर्गत ढाटकीदी मैदान में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग सुरेश कुमार बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुरेश अपने साथियों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसके पड़ोसी जोगिंदर सिंह अपने परिवार समेत सुरेश पर लाठिया से हमला बोल दिया, जिससे सुरेश पूरी तरह से घायल हो गया। इतना ही नहीं, उसके पड़ोसी ने उसके घर में घुसकर उसकी मां के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल बच्चे का इलाज एमजो अस्पताल में चल रहा है और स्थिति बस्ती में तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचे, मामले को शांत कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। हम अपना बच्चा को कभी गलत नहीं सिखाते हैं, बच्चा बाबू तुम जाओ कहीं बड़ा झगड़ा करो, वो लोग आए सुबह में हमको समझाया, बोलता आपका बच्चा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ठीक है आप हमको गलत बोलते हैं हम अपना बच्चा को डांटेंगे। अरे गार्जियन का फर्ज ही अपना बच्चा को डांटे, मेरा बच्चा गलत नहीं जाता है, गलत नहीं करता है, फिर भी इसको जैसे घर से निकला वैसे ही बोलो। हम दुकान पर गए, दुकान खोलने के लिए, मेरा पान का दुकान है छोटा मोटा, और दुकान खोलने का दुकान भी नहीं खोला तब तक मेरा बच्चा पूरा मार पीट के सब ला कर नहीं, सुबह में एक दूसरी औरत आ गई हमको बोला। हम मैदान में खेल रहे थे, अपना घर या अपना दोस्त स्कूटी लेके उतना ही मैं उन लोग कॉलोनी में रुकाया, उसके पूरे परिवार वाले थे, उसके पापा पहले पानी के बोतल पर रह गए थे, उससे बोले लगे तुम्हारा बेटा के बारे में क्या हुआ, एक किया वो करके, और पानी के बोतल सर पे मारे, पानी के बोतल प्लास्टिक का बोतल मारे, उसके बाद इंस्पेक्टर को बेटा मारना शायद कर दिया और उनकी बेटी, उसमें झगड़ा कि वहाँ पे मेरे कॉलोनी के जो भैया थे एक दो वो बचाने वचाने कॉलोनी के अंतिम के सवाल बचाई थी, तो मेरा गाड़ी दोस्त का वहीं पर छूट गया, फिर वहाँ से भैया पिछले भैया ने क्या, फिर वहाँ से दूसरा गाड़ी ले आके दिए, फिर वहाँ से हम बोले अपना दुकान गया इधर से पीछे से अपने मम्मी को लेके खाना गया। जमशेदपुर के बुद्धिजी मंच ने मानगो चेस के द्वारा बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स वसूलने में उस पर फाइन वसूलने के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर चुकी है। मंच के सदस्यों के अनुसार मानगो को अभी तक नगर पालिका नहीं घोषित किया गया है और ना ही यहां नगर पालिका का चुनाव कराया जा रहा है। इन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाएं नहीं दी जा रही है और जब जनता पर बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को मानगो विभाग थोप रही है, साथ ही इसका विरोध करे उन पर विभाग द्वारा जबरन फाइन
लाता जा रहा है। इन्होंने कहा कि विभाग ये भी चेतावनी दे रही है कि जो टैक्स और फाइन नहीं देंगे उनके बैंक खाते को फ्रीज कर उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। इसका विरोध गुर्जर मंच ने किया है। इन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर इन्होंने विभाग से लेकर मंत्री तक के चक्कर लगाए लेकिन कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिला और आखिरकार उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जनहित याचिका दायर कर दी। इन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और उनके फैसले का भी इंतजार करेंगे और इस पर लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। अभी तक से नगर निगम में गठन नहीं हुआ है, जबरदस्ती 2016 से जनता से कई गुना होल्डिंग टैक्स वसूल रही है। ये बुद्धिजीवी मंच इसका विरोध किया, मानव अध्यक्ष से विरोध किया, जिला प्रशासन से विरोध किया, विधायक से विरोध किया, नगर विकास मंत्री से विरोध किया। जब हमारी बात कोई नहीं सुने तो हम लोग मानव अध्यक्ष पर 2 घंटा का धरना देकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि देखिए नियम और खिलाफ के अनुसार जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। सिर्फ टैक्स ही नहीं, उसने कहा कि जो 31 मार्च तक टैक्स नहीं दिया उसके 2000 और 5000 रुपया फाइन लेंगे, उसके बाद भी नहीं देता है तो हम आपका बैंक खाता फ्रीज करके और टैक्स वसूलेंगे। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका करके सरकार को पकड़ा में खड़ा कर दिया है कि तुम बतलाओ कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, उच्च न्यायालय उसका फैसला करेगा। हम लोग अभी जब तक उच्च न्यायालय या कोई जजमेंट नहीं आता हम इंतजार करेंगे। जमशेदपुर के मानगो मंडल भाजपा द्वारा मानगो ट्रैफिक विभाग के पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। इनके द्वारा पुलिस अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। आजाद नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इस मामले में कहा कि उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पिछले दिनों एक युवक से वाहन जांच के दौरान लाइसेंस की मांग की गई थी। जब युवक ने लाइसेंस दिखाया तो उसे फर्जी बताते उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही उसे गाली भी दी जाती। इस मामले को लेकर भाजपा आजाद नगर मंडल ने पुलिस अधीक्षक के साथ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। मानगो ट्रैफिक द्वारा वाहन चेकिंग चल रहा था और उस चेकिंग में एक आजाद नगर का निवासी था जो कि चालान कटवाने के लिए अपना लाइसेंस ट्रैफिक एसआई अरविंद सिंह को दिया। अरविंद सिंह ने कहा कि ये लाइसेंस जो है फर्जी है। इस बात की सूचना हमें मिली और हमने जब चेकिंग पॉइंट पे पहुंचा और हमने कहा कि आप कैसे बोल सकते हैं ये फर्जी है, तो उसका कहना था कि आज़ाद नगर में सऊदी अरब का अतर और चोर सारे भर्ती है। हमने कहा कि अगर ये फर्जी लाइसेंस है तो आप 420 का केस इस पे कीजिए, आप पूरे आज़ाद नगर को चोर क्यों कहें। तो उसने कहा कि सारे के सारे चोर भर्ती है। हमने कहा आपको इस बात के लेकर माफ़ी मांगना चाहिए, तो बोला कि हम नहीं मांगेंगे, 90% आदमी जो है वहाँ का चोर है। सिंह के ऊपर, एसआई अरविंद सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए और आज़ाद नगर के वासियों से वो माफ़ी मांगे। करोड़ रुपया के लागत से बना विद्यालय भवन लोगों के लिए अपना सुलभ शौचालय है। जी हाँ, यह सच्चाई है। पुटका के हल्दी पोखर में दूर दराज छात्रों को पढ़ने के लिए 6 साल पहले +2 विद्यालय करोड़ रुपया खर्च करके बनाया गया था, लेकिन आज तक ठेकेदार द्वारा इस भवन को स्कूल प्रबंधक को हैंड ओवर नहीं किया गया, जिस वजह से आसपास के लोग इस विद्यालय में रोजाना शौच करने के लिए पहुंचते हैं। या यूं ही कहे कि अस्पताल को लेकर न सुलभ शौचालय बनाया गया था और न ही स्कूल के प्रधान अध्यापक का कहना है कि चार दीवारी नहीं होने के कारण स्थानीय लोग इस भवन में आकर रोजाना शौच कर रहे हैं। हम लोग काफी परेशान है, यदि सफाई हो जाती है तो छात्रों को पढ़ने के लिए कमरे की दिक्कत नहीं होती है। इस पूरे मामले में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को मीडिया से माध्यम से अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर वाला विषय है, अब हम जल्दी इसका कोई समाधान करेंगे। साथ ही कोई लोग विद्यालय में स्वच्छ नहीं कर पाए। विद्यानी कितने का मामला है सर, करोड़ों रुपया का एक बिल्डिंग भवन +2 बनाया गया था लेकिन सर उस भवन को शौचालय बना दिया गया है, क्या कहेंगे पूरे मामले को? आसपास के लोग वहाँ शौचालय करते हैं भवन में, ये इसका एक तो दो पहलू है। पहला पहलू तो यह है कि विद्यालय भवन का निर्माण हुआ तो क्या निर्माण अधूरा रह गया या हैंड ओवर नहीं हो पाया या क्या, इसका पहलू है। हम लोग उसके उसका
ये ज्ञात करेंगे और तदनुरूप जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी हुआ होगा। दूसरा ये है कि अभी तो लगभग पूरे झारखंड राज्य को ODF किया जा रहा है, तो फिर अगर लोग विद्यालय भवन या उसके संरचना का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं तो वो लोग दोषी हैं, और उन लोगों के बारे में भी ये किया जाएगा कि उस पर जो भी ये कार्रवाई हो सकती है उस मामले या उस दृष्टिकोण से भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, चार दीवारी नहीं होने के कारण हजारों लोग आते हैं आसपास के, और खुद मैंने बिल्डिंग में जाकर सोच करना ये बहुत ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और भवन किस स्थिति में है उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे अपने सहायक अभियंता को भेजकर और कनीय अभियंता को ये संयुक्त टीम बनाकर, और दूसरे उनकी चार दीवारी के लिए राशि किस मद से प्राप्त हो सकती है और क्या व्यवस्था हो सकती है इसका भी हम लोग ये जरूर पता करेंगे। चूँकि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का महत्तम उपयोग ही राज्य का उद्देश्य है, और अगर बिल्डिंग इतनी बड़ी लागत से बनी है तो उसका सदुपयोग। सर क्या मामला, क्या बिल्डिंग का मामला क्या है? देखिए बिल्डिंग जो है वो बहुत पहले बनकर तैयार हो गई थी और वह जो है स्कूल को हैंडओवर नहीं हो पाया, और जिसके कारण से स्कूल का उस पर कुछ भी कोई भी मतलब स्कूल उसको अपने हैंड में नहीं लेने सका, और जिसके कारण से बिल्डिंग का फेस जो है वह भी दूसरी ओर है, जिधर होना चाहिए उधर है नहीं, वो उल्टे तरफ बिल्डिंग का फेस बना दिया गया है, जिस कारण से हुआ कि उसका रख रखाव भी नहीं हो पाया, और जो आसपास के ग्रामीण है उसमें जाकर वे सोच वगैरह करके काफ़ी गंदा हो गया, और साथ ही आसपास बाउंड्री है नहीं स्कूल में, तो चार दीवारी नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उसमें क्योंकि बिल्डिंग का अभाव है, यहाँ +2 स्कूल है, +2 स्कूल होने के कारण हमें काफ़ी दिक्कत होती है रूम वगैरह की, और साथ ही यहाँ प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा का एग्जाम भी होता है जिसके कारण से कि हमें रूम की जरूरत पड़ती है। अभी क्या स्थिति में है? अभी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी खंडहर स्थिति में, कोई उसका मेंटेनेंस तो है नहीं कुछ भी, और साथ ही मतलब घुसने लायक भी नहीं है। हाँ देखिए बिल्डिंग तो करोड़ों का बिल्डिंग है, लेकिन उसमें आसपास के जो ग्रामीण है वो उसमें शौचालय के रूप में व्यवहार कर दिए हैं, उनको पूरा सोच से भरा हुआ है, वहाँ काफ़ी सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ घुसा नहीं जा सकता है बिल्डिंग में, काफ़ी सफाई करनी पड़ेगी बिल्डिंग की, और जिस कारण से कोई भी उधर हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग कभी शिकायत किए या लिखित दिए हैं कि नहीं पदाधिकारी को? जी जो भी पदाधिकारी आए हैं वो निरीक्षण किए हैं, और साथ ही हम लोग सारे पदाधिकारी जो भी आते हैं यहाँ पर हम लोग शिकायत करते हैं उनसे। झारखंड जनजाति परामर्श तंत्र परिषद उप समिति की मंत्री नीलकंठ मुंडा ने उपायुक्त कार्यालय में की बैठक। एमजीएफ थाना क्षेत्र के बड़ावा की डैम में सेल्फी लेने के क्रम में डूबे युवक अभिनव के शव को पुलिस ने किया बरामद। मिशन 2019 को लेकर झारखंड प्रदेश कमेटी अल्पसंख्यक विभाग को लाने स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। और आम आदमी पार्टी ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने हमारे साथ, नमस्कार।